आओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, गांव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील, पसीना बहा के खुद को तू सींच दे, हार में भी जीत खुद को तू सीख दे, बोले जो किस्मत की मैं ना तुझे खीर दूं, मेहनत के जरिए तू कमजोरी चीर दे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तुझे भी लोग, मेरी सलाह की बस अपनी सुनो, कैसे न कैसे तू घिसता जा, एक दिन हाथ जोड़ेंगे वो करण शक खुद पे, अब होगा सफल तू रख सबर, आएगा वक्त तेरा भी सोना है तू तपेगा जब, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में, खुद पे भरोसा कभी डट के, फिर राग बनो लक्ष्मणा बट के, कभी तो तुझे भी मिलेगा फल समझे, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी, आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, होमोनिम्स की जो हमारी क्लास थी हम उसे कंटिन्यू करते हैं। वोकैबुलरी स्पेशल क्लास है आज हमारी, आपको ये क्लासेज बहुत पसंद आ रही है, आपको वोकैबुलरी आप लोगों के कमेंट्स में लगातार देख रहा हूँ, ठीक है, वोकैबुलरी आपको अच्छे से लर्न हो रही है, एक अच्छे लेवल आपको अब मिल रहा है बैंक एग्जाम्स के लिए। आप अब इसके साथ साथ अपने रीडिंग स्किल्स को जब हम इम्प्रूव करेंगे तब ये सारी वोकैबुलरी हम वहीं पर उठाकर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी है क्लास वो भी क्या है, होमोनिम्स बेस है, जिसके अंदर मैं आपको उसी तरह से वर्ड टू वर्ड सारे रिलेट करते हुए क्या क्या वर्ड्स निकलते हैं, कौन सी फ्रेजल वर्ब्स निकलती है, क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच भी हम इसमें साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम, आज का जो हमारा वर्ड है वो है, एक होता है एल्यूजन और एक होता है आपके इल्यूजन। क्या होता है, एक तो एल्यूजन होता है और एक होता है इल्यूजन। अब ये जो एल्यूजन होता है ये किसी भी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, जबकि इल्यूजन जो होता है ये एक डिसेप्टिव शो होता है, भ्रमित करने वाला, गलत फहमी या भ्रम को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन। और एल्यूजन जो होता है संकेत देना, उल्लेख करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस देने को क्या बोला जाता है, आपके एल्यूजन बोला जाता है। तो एल्यूजन मीन्स क्या हो गया, एक तरह से आपके इनडायरेक्ट रेफरेंस। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, अब मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले हम एल्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्यूजन से कौन कौन से वर्ड्स आपके निकलते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो एल्यूजन है क्या, तो एल्यूजन एक नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। आ रही है बात आपको अच्छे से समझ में, वेरी गुड। तो अब इसका मैं अगर बात करूं तो इसके हिंदी मीन होते हैं आपके किसी भी चीज का संकेत देना या किसी भी चीज का उल्लेख करने को क्या बोला जाता है, आपके एल्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं डिस्कस करूं आपसे तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है क्यू, सी यू ई, ठीक है। अब इससे ध्यान रखना, क्यू भी होता है तो वर्ड और क्या होता है, क्लू। क्या होता है, वर्ड आपके क्लू भी होता है। दोनों में डिफरेंस या सी यू ई है या सी एल यू ही है, दोनों का मीन क्या होगा, एक तरह से इंडिकेशन के तौर पर हम यूज करते हैं। दोनों को हम किसके तौर पर यूज करेंगे, इंडिकेशन के तौर पर हम इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद एक वर्ड होता है आपके डब्ल्यू ए एफ टी यू आर ई। अब आप बोलोगे सर पार्ट ऑफ स्पीच भी तो बताओ इनके, मैं सबको एक साथ ले लूंगा, सबके अलग अलग नहीं बताकर एक ही साथ मैं आपको अभी समझा दूंगा, भरोसा रखिए आप मेरे पे, ठीक है। इसके अलावा वेफ्चर हो गया, एक होता है आपके टोकन। क्या होता है, टोकन, टी ओ के एन। साथ ही साथ में अभी क्यू से निकलने वाले वर्ड्स भी बताऊंगा और क्या वर्ड आपके सामने निकल सकता है। तो बताइए कोई दिक्कत, तो क्या क्या वर्ड है, क्यू है, क्लू है, इंडिकेशन है, वेफ्चर है और साथ ही साथ आपके क्या है, टोकन है। अब इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा और वर्ड है फेरोमोन। क्या होता है वर्ड आपके, पी एच ई आर ओ एम ओ एन ई। फेरोमोन मतलब भी क्या होता है आपके, संकेत देना, किसी भी चीज को इंडिकेशन देने को आपके क्या बोला जाता है, फेरोमोन बोला जाता है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, एक वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा और वो वर्ड होता है आपके इंसिनुएशन। क्या होता है, इंसिनुएशन, आई एन एस आई एन वी ए टी आई ओ एन। इंसिनुएशन जो होता है इसका मतलब भी क्या होता है, एक तरह से इंडिकेशन, संकेत के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, इंसिनुएशन का यूज करते हैं। अब बात आती है जो इंसिनुएशन वर्ड होता है इसका एक और मीन होता है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं चापलूसी, फ्लटरिंग करना। फ्लटरिंग करने को, ठीक है, क्या बोला जाता है आपके, इंसिनुएशन भी बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब बात आती है ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके,
नाउन होते हैं। ये सभी वर्ड्स क्या है? ऑल दीज आर वर्ड्स नाउन रिलेटेड वर्ड्स। अरे ये बात समझ, ठीक है। अब मैं बात करूं CUE, इस Q से निकलने वाला वर्ड क्या होता है? तो एक आपने सुना होगा और वो सुना होगा क्यू स्टिक। क्या सुना होगा आपने? क्यू स्टिक। देखिए क्यू स्टिक क्या होती है, जनरली आपने देखा होगा एक गेम होता है पूल जिसे हम कहते हैं, या एक तरह से बिलियर्ड सुना होगा आपने, बिलियर्ड से एक गेम होता है आपके, या एक तरह से एक गेम जिसको हम स्नूकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नूकर। इसकी जो स्टिक होती है ना, उस स्टिक को हम क्या कहते हैं? क्यू स्टिक। क्या कहा जाता है उसे? क्यू स्टिक। जब कभी भी हम बिलियर्ड्स खेलते हैं, पूल खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, उसमें जो स्टिक होती है उस स्टिक को क्या बोला जाता है? आपकी क्यू स्टिक। क्लियर है? तो ये इनसे निकलने वाले सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए अच्छे खासे तरीके से, एक बार रिवाइज कर लेते तुरंत। तो एल्यूजन, जिसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, उस एल्यूजन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस हिंदी में कहते हैं, संकेत और उल्लेख। ये एक क्या होता है आपके? नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? क्यू होता है, क्लू होता है, इंडिकेशन होता है, वेप्चर होता है, टोकन होता है, फेरोमोन होता है, इंसाइनवेशन होता है, जिसका एक और मतलब होता है चापलूसी। ये जितने भी वर्ड्स है ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। क्यू से निकलने वाला वर्ड क्या होता है? क्यू स्टिक। क्यू स्टिक होती है पूल, बिलियर्ड, स्नूकर की जो स्टिक होती है उसे क्या बोला जाता है? क्यू स्टिक कहते हैं। तो एक बार आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अब हम अभी मैंने बताया था एल्यूजन के साथ क्या डिस्क्राइब करना है मुझे, इल्यूजन, जिसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? आई से, ILLUSION। इस इल्यूजन का मतलब होता है भ्रमित, भ्रम, गलत फहमी को क्या बोला जाता है आपके? इल्यूजन बोला जाता है। अरे ये बात समझ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो वर्ड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी? ILLUSION, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए डिसेप्टिव सो, जो डिसेप्ट कर दे किसी चीज को, ठीक है, धोखा दे दे, उसे क्या बोला जाता है? ऐसी जो चीज होती है उसको हिंदी में हम कहते हैं भ्रम, ठीक है, या गलत फहमी बोला जाता है। मैं दोनों स्टूडेंट्स को कवर कर रहा हूं, बहुत इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना है, डिसेप्टिव शो हिंदी मीडियम में भ्रम और गलत फहमी जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है? इल्यूजन। स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? आई से स्टार्ट होती है। इल्यूजन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है आपके? एक नाउन होता है। एल्यूजन भी एक नाउन होता है, इल्यूजन भी क्या होता है आपके? एक नाउन होता है। अब इसके सिनोनिम्स हम देखें तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें पहला होता है MIRAGE, मिराज। सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? मिराज, ठीक है, जो होता है ना एक तरीके से दूर से हमारे को जैसे सड़क पे लगता है कि पानी है। जब हम कभी भी सड़क पे चलते हैं तो गर्मियों में आपने देखा होगा समर के अंदर कि बहुत तेज गर्मी होती है, जब स्कॉर्चिंग हॉट होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लगता है कि बोलो यार दूर पानी है शायद सड़क पे, ठीक है। तो वो हमें क्या हो रही? गलत फहमी हो रही, भ्रमित कर रही है वो हमें। तो वो क्या कहलाता है एक्चुअल में आपके? मिराज होता है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बनता है आपके? नाउन बनता है। मैंने लिखा है वर्ब वी नाउन एन और एडिजे एडजेक्टिव होता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? उसके बाद हम इसे और क्या कहते हैं? तो देखो आपने जनरली सुना होगा, मैं इससे रिलेट करूंगा वर्ड, जैसे कोई भूत प्रेत होता है, छाया होती है, माया जाल होते, वो सब एक तरह से किसके तौर पर यूज लिए जाते हैं? इल्यूजन के तौर पर यूज लेते हैं हम। किसके तौर पर यूज लेते हैं? इल्यूजन के तौर पर यूज लेते हैं। तो ऐसा वर्ड होता है आपके, और वो वर्ड है SPECTRE, स्पेक्ट्र। क्या है वर्ड? स्पेक्ट्र। अब इसमें ध्यान रखना, दो वर्ड लेकर आ रहा हूं, एक में आर पहले है, ई बाद में है, एक में आपके ई पहले है और आर बाद में है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। दोनों क्या है आपके? एक तरह से नाउन है। दोनों क्या है आपके? नाउन है, ठीक है। अब ये जो मतलब होता है इसका हिंदी मीन तो होता है भ्रम, लेकिन जिसमें ई पहले आ गया और आर बाद में आपके आ चुका है, इसका मतलब होता है आपके कोई भी भूत होता है, घोष्ट होता है, या जिसको हम कहते हैं छाया। बोले होता है ना कभी कभी डर के मारे, बोले यार छाया निकली इधर से, तो छाया निकली मतलब वो क्या हो गया आपके? स्पेक्टर हो गया। और जिसमें आर पहले आ चुका है, ई बाद में आ चुका है, वो भ्रम है, वो इसके तौर पर। और इससे निकलने वाला वर्ड मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा ALPARITION। क्या सुना है आपने? ALPARITION, apparition, ठीक है। ये आपने जनरली सुना होगा नाउन के तौर पर। इसके मतलब एक तो भ्रम के तौर पर होता है, एक इसका मतलब होता है वही सेम कोई भी प्रेत छाया होती है, भूत प्रेत छाया जो होती है, या कोई भी चीज अगर आपको किसी भी कंडीशन में विचित्र लगती है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से अपारेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसे, आपके अपारेशन बोला जाता है। क्लियर है। इसके अलावा एक वर्ड होता है आपके phantasm, फैंटाज। वर्ड क्या है, फैंटाज। फोकस करना वोकैबुलरी पे, phantasm, फैंटाज मींस क्या होता है, वही सेम मतलब होता है इसका, भ्रम के तौर पर इसका यूज करते हैं हम। किसके तौर पर यूज करते हैं इसका, भ्रम के तौर पर इसका यूज किया जाता है। अब आपने जनरली एक इसी से निकलने वाला वर्ड सुना होगा, ठीक है, भ्रम है। अब भ्रम से रिलेटेड क्या होगा, मायाजाल। इससे निकलने वाला वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सेम ध्यान रखना। फैंटाज्म तक तो सेम होगा, फिर हो जाएगा agoria, फैंटाज्मगोरिया। क्या हो जाएगा, फैंटाज्मगोरिया। फैंटाज्मगोरिया मींस होता है आपके मायाजाल। क्या होता है, मायाजाल, ठीक है। तो उसी में इंसान भ्रम में होता है हमेशा, तो इसलिए वर्ड क्या निकल कर आया, फैंटेज। और इससे निकलने वाला एक वर्ड क्या हो चुका है आपके, फैंटाज्मगोरिया। यहां पर एम लिख देता हूं मैं, ASM, सेम स्पेलिंग यहां तक सेम रहेगी, फिर आपको जोड़ना है AGORIA। अरे ये बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता है जो इंसान के बीच गलत फहमी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, तो उसे हम जनरली कहते हैं विल और द विस्प। क्या बोला जाता है, WILLO, अलग से लिखना है स्पेस देकर, इसमें नहीं है, फिर स्पेस देकर द लिखना है, फिर स्पेस देकर आपको क्या लिखना है, विस्प लिखना है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मिथ्याभ्यास। देखो इंग्लिश में सबका सेम मीन निकल कर आएगा, और वर्ड क्या है, इल्यूजन है, उसी से निकल कर आ रहा है। तो ये अलग है, विल अलग है, ओ अलग है, द अलग है, विस्प अलग है, ठीक है, ये सब सेपरेट है। तो विल और द विस्प मतलब क्या होता है आपके, मिथ्याभ्यास होता है। एक आपने सुना होगा इग्निस, इसको रिलेट किससे करना है, इग्निस फैटस से आपको याद रखना है, ठीक है, इसी सेम वर्ड को IGNISFATWS। ध्यान रखना है इसमें स्पेशली है, सिंगल यू नहीं आएगा, डबल यू आएगा, ठीक है। इग्निस फैटस मींस क्या होता है आपके, मिथ्याभ्यास होता है, जिसे हम और क्या कहते हैं, इल्यूजन के तौर पर यूज लिया जाता है। किसके तौर पर यूज लिया जाता है ये वर्ड आपके, इल्यूजन के तौर पर यूज लिया जाता है। एक वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा, हेलुनिकेशन सुना होगा, HALLUCINATION, ठीक है। यही पे मैं वर्ड लिख देता हूं अलग से, HALLUCINATION, ठीक है। अब ये जो हेल्यूकिनेशन वर्ड होता है, HALLUCI नेशन है, इसको याद देखिए, तोड़ तोड़ के याद करा करो, HALLUCINATION, हेल्यूकिनेशन, ठीक है। अब जो हेल्यूकिनेशन होता है, इसका एग्जैक्ट मीन नाउन के तौर पर ही क्या होता है आपके, इल्यूजन होगा। क्या होगा इसका मीन, इल्यूजन होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। तो आपके सामने आज जो हमारे वर्ड्स थे वो क्या था, एक था एल्यूजन और एक था इल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इनडायरेक्ट रेफरेंस, और इल्यूजन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ए डिसेप्टिव शो, भ्रम, गलत फहमी, छल लेना किसी को, ठीक है, पागल बना देना, ये सब क्या होता है, एक तरह से इल्यूजन होता है। भ्रमित को हमने पहले भी वोकैबुलरी में देखा है, इल्यूजरी वर्ड मैंने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। तो देखिए, रिवाइज करिए एक बार, इल्यूजन, देखिए बोलने से वोकैबुलरी लर्न होगी, जितना बोलोगे उतने अच्छे वर्ड्स आपको पता लगेंगे। तो इल्यूजन मींस क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, ए डिसेप्टिव शो, ठीक है। नंबर वन सिनोनिम नाउन के तौर पर क्या आ रहा है, मिराज, ठीक है। मिराज को और कैसे याद रखना है कि सड़क पे जो दूर हमारे को ऐसे लगता है ना कि पानी है, तो वो हमें क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो वो मिराज होता है। उसके बाद एक वर्ड है आपके, और वर्ड है, स्पेलिंग पे फोकस करना, APPARITION, अपेरेशन, जो नाउन के तौर पर इसका क्या मतलब होता है, भ्रम तो होता है, ये अलग से प्रेत, छाया या विचित्र होता है। फिर एक मैंने बताया स्पेक्टर, स्पेक्टर में ध्यान रखना है आपको, आर पहले आ जाए, ई बाद में आ जाए, तो नाउन के तौर पर भ्रम होगा, जबकि ई पहले आ जाए और आर बाद में आ जाए, तो ये भूत या छाया होती है। फिर इसके अलावा चार अलग अलग वर्ड थे, विल ऑफ द विस्प, बोला एक साथ जाएगा, विल ऑफ द विस्प, ठीक है। विल ऑफ द विस्प मतलब क्या होता है, मिथ्याभ्यास, जिसे हम और क्या कहते हैं, इग्निस फैटिस भी कहा जाता है। साथ ही साथ एक वर्ड होता है फैंटेज, फैंटेज मीन्स क्या होता है, भ्रम होता है। इससे निकलने वाला वर्ड क्या होगा, फैंटाज्मगोरिया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मायाजाल कहते हैं। तो एल्यूजन और इल्यूजन आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। एल्यूजन का क्या क्या बताया था, रिवाइज करो, एल्यूजन मींस इनडायरेक्ट रेफरेंस, संकेत या उल्लेख जिसे कहा जाता है। इसके जो सिनोनिम्स थे, नाउन के तौर पर पहला था CUE,
क्यों, दूसरा बोलिए, रिपीट करिए, कमेंट में टाइप करते चलिए ताकि वोकैबुलरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड था क्लू CLUE, फिर था आपके टोकन था, फिर एक था आपके वेफचर था, इंडिकेशन था, ठीक है, इसी तरह से एक आपका फेरोमोन था, एक था इंसाइनवेशन था जिसका और क्या मतलब होता है, चापलूसी होता है। क्यू से निकलने वाला वर्ड क्या बताया था, क्यू स्टिक के बारे में क्या बताया था, स्नूकर, पूल, बिलियर्ड्स, इनकी जो स्टिक होती है गेम खेलने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, क्यू स्टिक। तो आई होप आपको आज की वोकैबुलरी अच्छी लगी होगी और इसमें हमने अराउंड 30+ वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं और अभी अच्छे लेवल के वर्ड्स से। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस। किस्मत से किस्मत के संग तेरा कल न बता सके लकीरों का ढंग, न कद न रंग न जात धर्म, साफ रख कर्म और मन, बस परिश्रमी बन। जो मिले तुझे जीत वो तेरी अपनी, जो मिले तुझे हार वो गलती रब की। मंत्र ये मेरा याद रखियो सदा, आवाज बुलंद करो साथ मेरे का। हार नहीं मानूंगा मैं, चलता रहूंगा, जो मैंने है जाना वो मैं करके रहूंगा। जिद्दी हूँ जिद पे अड़ा हूँ मैं अपनी, ना रोके रुकू मैं खुदा से लड़ूंगा। मैं ऐसा भिड़ूंगा टूटेंगे पर्वत, खुद को संभाला बोला तू डर मत, आसमां भी झुकेगा। मेहनत तू कर बस, दिमाग से हटा दे ये प्रश्नों का सर्कस, लगा रहे बस।